लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, अभी हीरोइन का इंट्रोडक्शन हुआ है, इतनी कोई खास नहीं है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो, ये फिल्म तो गई, कंफर्म सुपर फ्लॉप है यार। तो ऐसा ही लगता है। क्या बोला? हमारी फिल्म फ्लॉप है? फ्लॉप है? पहले पूरी फिल्म तो देख, सेकंड हाफ तो देख। एक किसका आती है? तू किसका आती है? बहुत मस्त पिक्चर है। हां चलो, सुपर हिटर, डायरेक्शन क्या मस्त है, बहुत अच्छा फिल्म। सुपर हिटर सर, 200 डेज। अगर नहीं चलेगा मुझे चप्पल से मारना सर। फिल्म एकदम मस्त है भाई। क्या कहा तूने? 200 डेज चलेगी और नहीं चलेगी तो चप्पल खाएगा तू? ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमको ट्रेलर में कहां दिखाएंगे सर, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। अरे क्या फिल्म है सर, सर दर्दी छी तू। अरे छे, फिल्म की वाट लगा दी। ये क्या भाई, तुम्हारे गुरु ने तो फिल्म की धज्जी उड़ा दी, पूरी की पूरी वाट लगा दी। अरे पब्लिक फिल्म छोड़कर जा रही है। बड़ी डब्बा फिल्म है भाई, विलन क्यों आता है क्यों जाता है किसी को समझ में ही नहीं आता। ए चुप कर, सुपर हिट। रवि कैसी चल रही है अपनी फिल्म? लगता है बड़ी हिट है सर। मैं क्या बताऊँ, बहुत धूम धड़ाका है सर। पब्लिक क्या कहती है? कुछ नहीं सर, 200 डेज, लेकिन आपके सामने नहीं बोलेगी सर। हमारे सामने बोलने का मतलब नहीं चली क्या? नहीं सर, ये बात नहीं है सर, मैटिनी शो देखकर सारी पोजीशन बता दूंगा सर। भाई कौन सा डायरेक्टर है? कहीं आपकी धुलाई ना हो जाए सर, मेरी बात मानिए सर, आप घर चले जाइए सीधे। ओके, धुलाई होगी। अरे कार आगे ले चल चल। हम सब लोग तबाह हो गए, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या करूं? इस पर साइन करना ही पड़ेगा, अपने पापा के लिए कर दो मेरे बच्चे। ये तो हो गया, कैश बैलेंस 1.35 बाकी रह गया है, चलता हूं। नमस्ते। ए भास्कर, अमेरिका में मेरे भांजे को फोन तो लगा, वहां फिल्म की पोजीशन मालूम करनी है। हेलो राज, तुमने मेरी फिल्म देखी? क्या रिपोर्ट है उसकी? नहीं मामा जी, कल देखने जाऊंगा मैं, लेकिन वेबसाइट पर रिव्यू देखा है, अच्छा नहीं लिखा मामा जी। क्या अच्छी नहीं लगी? इंटरवल में उस लड़की को बहन बताना अच्छा नहीं लगा, और सेकंड हाफ में ऐसा क्यों होता है इसका रीजन नहीं बताया। प्री क्लाइमेक्स में विलेन एंटर होता है और सीधे क्लाइमेक्स में चला जाता है, पब्लिक खुश हो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जॉनी लीवर की कॉमेडी सोने पे सुहागा है। तुमने तो फिल्म देखी नहीं? हाँ मामा जी। तो फिर कैसे कह सकते हो मामा जी ऐसी बात नहीं, फिल्म नहीं देखी और देखने वालों से ज्यादा बोल रहे हो। यू गॉट द प्रीव्यू? फिल्म देखने के बाद रिव्यू पढ़ा जाता है, समझ गया ना? रिव्यूज पढ़कर फिल्म नहीं देखी जाती है। सब कुछ जानने के बाद तुम लोग क्या खाक फिल्म एंजॉय करोगे? हाउ कैन डार्क वेबसाइट पर्सन, वो कोई राइटर है डायरेक्टर है? रिव्यूज लिखने वालों को इतना ही दिमाग है तो लिखने दे, उनके कुछ भी लिखने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जानता है क्या लिखते हैं रिव्यूज में? फर्स्ट हाफ ये स्टोरी, सेकेंड हाफ ये स्टोरी, बेंगल वी, इक्वल वी, हाईलाइट्स, ये होता है रिव्यू में, उन्होंने लिख दिया और तुमने मान लिया। अरे ये सब बकते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ए, अगर तू सिनेमा लवर है तो मेरी फिल्म का पोस्टर देख, गाने सुन, ट्रेलर देख, फिल्म अच्छी लगी तो देखना, नहीं तो मत देखना। तुम लोगों की वजह से बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ये रिव्यूज लिखने वाले ओवरसीज का बिजनेस करते हैं, जानते हो? अगर हम फिल्म उनको दें तो रिव्यू कुछ और लिखते हैं, और अगर ना दें तो कुछ और, हमसे पैसा बटोर कर काम करते, जानता है तू? तुम लोग इन लोगों का लिखा हुआ घटिया रिव्यू पढ़ रहे हो या फिल्म की दिलचस्पी को लेकर तुम लोग ये पढ़ते हो? एक बार फिर बोल रहा हूं सुन, हमारे फिल्म का पोस्टर देखो, गाने सुनो, ट्रेलर देखो, अगर ठीक लगे तो देखो, नहीं तो फोन रख, रख फोन। समझा इसे, समझा, अच्छी तरह से समझा, उस बुड्ढे से अपना संबंध जोड़ ले। तुम कुछ भी कहो, मेरी बहन उस बुड्ढे से शादी नहीं करेगी। शादी नहीं, सिर्फ रखेल बनाएगा। तू मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही है, संबंध का मतलब शादी नहीं होता, नाजायज संबंध होता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये अब देखती जा, मैं इसे ऐसे जलाऊंगा, आज तक तुम लोगों ने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा।
अब मैं इसे ऐसे जलाऊंगा कि ए, ए, रुको तुम लोग, रुको, कहाँ भागते हो, रुको, रुको, रुको तुम लोग, भागती कहाँ हो? अब मजा आएगा। मत करो। खुद को बहुत खूबसूरत समझती है, हैं? ये ले, अब तेरी खूबसूरती निकालता हूँ मैं। तेरी दीदी से बहुत खूबसूरत है तू। मेरी जगह कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था तेरे साथ। मैं शरीफ आदमी हूँ इसलिए तू बच गई। मेरी बात मान ले, उस बुड्ढे की रखेल बन जा, वो इंतजार कर रहा है तेरा। अरे जल गई क्या? मुझे भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता सोना, मुझे भी ये देखकर तकलीफ हो रही है। एक बार मेरी बात मान लेना। कैसा लगा? तकलीफ हो रही है ना? और तुम लोगों को क्या हो गया है? कैसे बर्दाश्त करो इस नालायक को? किस तरह जी रहे हो इसके साथ? ये तुम्हारा पति है दलाल? मासूम लड़की को चलाते हैं? ये कमीना इंसान तुम लोगों का किसी काम का नहीं है, अच्छी तरह से समझ लो तुम। अबे तू क्यों रो रहा है? अरे इसकी पैंट उतारो, सब कुछ चला देंगे इसका। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर कभी ऐसी बदतमीजी की ना, तो पैंट बचा लूंगा। और तो करो लगता भाई, भाई देखो भाई, क्या हुआ तेरे को? आपकी खातिर मेरी साली को मनवाने के लिए मैं कितनी बेशर्मी से काम कर रहा हूँ आप जानते हैं ना भाई, लेकिन वो हरामी सारा काम खराब कर दिया, मुझे मारा भी। भाई कौन है रे वो? मेरा नाम बोला नहीं क्या? आपका नाम बोला, उसने मुझे और मारा भाई। देखो भाई, उसने मुझे कितनी बेदर्दी से जलाया है हरामी कहीं का, मुझसे ज्यादा तो आपकी बेइज्जती हुई भाई। उसको सबक सिखाकर आपको अपनी इज्जत बचानी होगी। सुन, इसने अपना किराया नहीं दिया इसलिए इसका मालिक चिल्ला रहा है, इसे अपने फिल्म में काम दे देना। अरे माँ, इसके ख्याल बहुत ऊंचे हैं। इसका चेहरा देखा, न रफ लगता है न सॉफ्ट लगता है, अजीब है। कैमरा ऑन करके देख, तब पता चलेगा। माँ मैंने इसे समझाया, हीरो के फैन का रोल कर ले, ये मानता ही नहीं बेवकूफ। मैं ऐसी फिल्मों में काम नहीं करूंगा। मगर क्यों नहीं? ये लोग पहले अच्छे रोल के लिए बुलाते हैं और बाद में हम लोगों को नाचना चाहते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सुन, मुझे ऐसे लोगों की चापलूसी करना अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा लगता है, तू कर ले। भाई यही है वो। ए, इधर आ। कौन है ये लोग? एक मिनट भाई। अरे कौन है ये लोग? तुम अंदर चलो। पता था क्यों? क्या हो रहा है ये सब? अंदर तो चलो ना, बता। क्यों आए हैं? अरे तू ये बताएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? चलो अंदर। अरे इसे पकड़ अंदर। अरे रवि, अरे बंद क्यों कर रहा है? क्या शांत रहे, मैं देखता हूं, एक बार देखता हूं। बस रवि, हमारे आदमी को तो ने मारा है और उसका हाथ भी जलाया। आपके आदमी ने गलती की इसलिए मारा। क्या किया उसने? उसने संध्या का हाथ जलाया। तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? ये झूठ बोल रहा है भाई, जलाया नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे डराया था। वो उसे जला दे या मार दे उसकी साली, इसमें तेरा क्या? चलो ठीक है भाई, बात क्या है बोलो, यहाँ क्यों आए? तेरी हड्डी पसली एक करने के लिए। उसके लिए इतने आदमियों की क्या जरूरत है भाई, आप अकेले काफी हो। आप अपने आदमी के लिए आए हो ना, मारो। तुम मुझे मार सकते हो, मारो भाई, मारो। एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारे अलावा और कोई मुझ पर हाथ डाले मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, खास तौर पर तुम। अपने आप को काबू में रख लो वरना कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। बोला ना हाथ नहीं डालने का, आप मारो भाई, मारो ना, आप मार सकते हो, मारो मारो। रवि, दीदी, क्या हुआ? दीदी, रवि मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं उसे? सर रुक जाओ। ये कहाँ रही है? रुक जाओ, ऊपर जा, ऊपर जा, इसे लेकर ऊपर जा, ऊपर जा। पता चलना चाहिए जलाया कैसे जाता है। मारो भाई, मारो जितना मार सकते हो मारो, लेकिन इतना जान लो तुम्हारा आदमी बहुत हरामी है। ए, भाई को सब पता है कौन कैसा आदमी है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करो।
कितनी बार कहा तुझसे मुझे हाथ मत लगा। आप मारो भाई, आप मारो मारो। आप मत रुको भाई, आप मारो मारो मुझे मारो। आप मारो भाई, मारो मारो मुझे मारो। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही दमदार है यार। तू पीछे से मारता है, पीछे से मारता है। कितनी बार बोला मुझ पर हाथ मत उठा। ये हाथ उठाने से पहले एक बार सोचना भाई। तू सबको मार रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं मारता? हाँ, रेस्पेक्ट करता है। हाँ भाई, ड्रामा ड्रामा करता है, ड्रामा। अरे राजू जा, मेरे बेटे को बचाना। अरे राजू जल्दी कर। फिर कभी मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत नहीं करना, जान से मार दूंगा। बाय। अपने दोस्त को समझा दो भाई, फिर संध्या को हाथ लगाए तो जान से मार दूंगा। अबे तेरी तो बहुत, तेरी रिस्पेक्ट मैं करूं तो जैसे रोड छाप टपोरियों को सबक सिखाना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे बाप रे, चलो चलो, सारा सीन उल्टा हो गया। अगर मैं उसके हाथ में आ गया तो मेरी भी धुलाई कर डालेगा। सर। हाँ रवि। बोलिए सर। तुम्हारी कहानी सुनी, तुम्हारा ट्रायल शूट भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रोड्यूसर से बात की है, ये फिल्म जरूर बनाएंगे। एंड यू आर माई डायरेक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हे रवि, तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या हो सकता है? एक और विनाश।